अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्पाइसी कुज़ीन। आज हमने चने की दाल का हलवा बनाया है, जो कि हमने जिसको हमने बर्फी की शेप दी है। ये बहुत मज़े का है, आप ट्राई कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा। अपने कमेंट्स में बताइएगा कि ये कैसा बना है। ये हलवा वाहिद वो डिश है जो सिर्फ घर में बनाई जाती है, ये बाज़ार में नहीं मिलती। ये हमारे घर की खास डिश है। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1 किलो दाल चना जो हमने बॉईल करके कीमे वाली मशीन में इसको निकाल लिया है, थोड़े से बादाम, अखरोट, 6-7 दाने छोटे इलायची के, आधा किलो घी और 3 पाव चीनी। अब हम चने की दाल को भूनते हैं। अभी इसको विदाउट घी और चीनी नहीं डालनी, इसको अकेला 5 मिनट भूनना है। उसके बाद हम घी और चीनी डालेंगे, वो हम आपको बताते रहेंगे साथ साथ। ये 5 मिनट चने हो गए हैं हमें चने की दाल को भूनते हुए। चने की दाल ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें आधा किलो घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम इसको मज़ीद 5 मिनट और भूनेंगे। ये घी मेल्ट हो रहा है। 5 मिनट इसको इसको घी में चने की दाल डाल के भूनेंगे। अब हम इसमें चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद हम इसको उस टाइम तक भूनेंगे जिस टाइम तक चीनी का पानी खुश नहीं हो जाता। ये हमारा हलवा भी बन रहा है। इस बात का ख्याल रखा जाए कि इस हलवे में स्टेम्प बराबर चलाना है। ये हलवा हमारा रेडी हो गया है। इस कढ़ाई ने हलवा छोड़ दिया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, क्योंकि हमने हलवे को बर्फी की शेप देनी है। डिश में थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेते हैं देसी घी से, जब हम इसको बर्फियाँ बनाएं इस डिश के साथ ये चिपक ना जाए, इसलिए हमें ऑयलिंग करनी पड़ेगी ताज़ी। अब डिश में हम इसको हलवे को फुला रहे हैं ताकि ठंडा होने तक इसकी बर्फियाँ आसानी से बन जाएं। हम अखरोट और बादाम से गार्निश कर देते हैं और आधे घंटे बाद हम इसकी बर्फियों की शेप में हलवे काट लेंगे। सर्दियां हैं इसलिए आपको ठंडी जगह पे रखने की ज़रूरत नहीं है, गर्मियों में आपको इसको ठंडी जगह पे रखना पड़ेगा। अब हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको बर्फी की शेप देते हैं। ये आप जो आपको पसंद है वो शेप दे सकते हैं, लेकिन हम बर्फी की शेप देते हैं। आप इसको चाय के साथ या खाने के बाद एक बर्फी ले सकते हैं। इसका जायका बहुत मज़े का है।